हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकुंद माधव किचन एमएस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी, बेसन मिर्च की दही वाली रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको दाल चावल या पराठे के साथ खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। सबसे पहले हमने मिर्चियों को डंठल तोड़कर धो लिया है फ्रेंड्स, और उनका पानी सुखा लिया है। अब हम मिर्ची में से बीज से चीरा लगाएंगे। जो मिर्ची ज़्यादा बड़ी हो फ्रेंड्स, हम उनके दो टुकड़े कर लेंगे, और छोटी मिर्ची से हम एक ही पीस रखेंगे। और चीरा इस तरीके से लगाएंगे फ्रेंड्स, अलग अलग नहीं करेंगे हम मिर्ची को। इसी तरह हम सभी मिर्ची को चीरा लगाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इसके लिए बहुत तीखी वाली मिर्ची ना लें। हमने करीबन 200 ग्राम मिर्ची को चीरा लगाकर कट करके रख लिया है फ्रेंड्स। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर। कढ़ाई को गर्म होने देंगे। एक चम्मच सरसों का ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है फ्रेंड्स। अब हम एक चौथाई चम्मच जितना मेथी दाना डालेंगे। एक चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे। एक चौथाई चम्मच सरसों दाना डालेंगे। एक चौथाई चम्मच सौंफ डालेंगे। एक चौथाई चम्मच जितना साबुत धनिया डालेंगे। एक चौथाई चम्मच हींग पाउडर डालेंगे। और एक बार अच्छे से मिला देंगे फ्रेंड्स। सभी खड़े मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम मिर्ची को डाल देते हैं, अच्छे से मिलाएंगे। मिर्ची को 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। हमने मिर्ची को 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आधी पक चुकी हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। मिर्ची की ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है। जैसे कि हम खाना खाते समय अचार को खाना पसंद करते हैं, उसी तरह फ्रेंड्स ये भी बहुत टेस्टी लगती है, अचार जैसे ही लगती है। एक चम्मच हम बेसन डाल दिया फ्रेंड्स। बेसन को अच्छे से मिलाकर पका लेंगे। ये अच्छे से भुन जाएगा बेसन भी फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ऑयल है। तो बेसन भी हमारा अच्छे से भुन गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मिर्ची में अच्छे से कोट हो गया है बेसन। अब हम उसमें फ्रेंड्स कुछ मसाले डालेंगे। एक चौथाई छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें फ्रेंड्स। अब अच्छे से मिला देंगे सभी मसालों को, और 1 मिनट के लिए पका लेंगे। ये बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसको झटपट बनाकर खा सकते हैं जब भी आपका चटपटा खाने का मन करे। एक चौथाई चम्मच जितना डालेंगे काला नमक, एक चौथाई चम्मच जितना जीरा पाउडर, ये भुना जीरा पाउडर है फ्रेंड्स। अच्छे से मिला लेंगे एक बार। अब एक चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर, उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने गैस को बंद कर दिया है, और 2 चम्मच दही हम डालेंगे गैस बंद करने के बाद। फ्रेंड्स, कढ़ाई हमारी बहुत गर्म है फ्रेंड्स, ये जल्दी से बन जाएगा, आप देख सकते हैं अच्छे से पक जाएगी हमारी दही भी। दही को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि दही फट जाती है, इसलिए हमने 1 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। गैस बंद करने के बाद फ्रेंड्स चलाया हमने, गैस ऑन करने के बाद नहीं, अब क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म थी। अब फ्रेंड्स, हम गैस को चालू करके एक बार अच्छे से और मिला लेते हैं, ताकि अच्छे से इसका मसाला जो है फ्रेंड्स अच्छे से कोट हो जाए मिर्ची के ऊपर, और अच्छा सूखा सूखा सा हो जाए। तो दही वाली बेसन वाली मिर्ची बनकर हमारी तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसको करते हैं सर्व। आप इसको फ्रिज में रखकर 1 हफ्ते तक खा सकते हैं फ्रेंड्स, ये ख़राब नहीं होती है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी हमारी बनी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।